नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी फिरोजाबाद की, जहां फिरोजाबाद सड़क हादसे में 3 की मौत 7 घायल। वहीं हमीरपुर में भीषण गर्मी का प्रचंड तांडव देखने को मिल रहा है। और बताएंगे कैसे शिवपुरी में भूमाफिया द्वारा झींगरा नोहरी खुर्द में शासकीय कुएं को समतल बनाकर की जा रही अवैध प्लांटिंग। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर फिरोजाबाद से, जहाँ थाना रजावली क्षेत्र के एटा रोड पर तेज रफ्तार रोडवेज बस में ब्रिजाकार और ऑटो में टक्कर मार दी। इस हादसे में एक महिला और बालक सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया है, वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शनिवार दोपहर एक रोडवेज बस एटा से आगरा की तरफ जा रही थी, तभी थाना रजावली क्षेत्र के अदिति गार्डन मैरिज होम के सामने रोडवेज बस ने एक ब्रिजाकार और ऑटो में टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए, वहीं कार भी क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि रोडवेज बस चालक मौके से फरार हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 7 लोग घायल हुए हैं। इस हादसे के दौरान एटा रोड पर जाम के हालात बन गए। मौके पर सीओ अनिवेश कुमार, इंस्पेक्टर उमेश कुमार शर्मा पुलिस फोर्स के साथ पहुंच गए। वहीं कुछ देर बाद एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा भी पहुंच गए, जिन्होंने घायलों को अस्पताल भिजवाया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी सिटी फिरोजाबाद सर्वेश मिश्रा का क्या कुछ कहना है। ऑटो के कुल 8 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के हॉस्पिटल में भिजवा दिया गया है। एक्सीडेंट करने वाले रोडवेज बस एवं उसके ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन ताहिर सिद्दीकी के साथ सी न्यूज संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां भीषण गर्मी का प्रचंड तांडव हमीरपुर में। बता दें 24 घंटों में भीषण गर्मी और लू के चपेट में आकर 23 लोगों ने तोड़ा दम। जनपद में भीषण गर्मी और लू से चारों तरफ मौतों से हाहाकार मचा हुआ है। मरने वालों में मासूम बच्चों से लेकर बूढ़े बुजुर्ग सर्वाधिक। मौदाहा तहसील क्षेत्र में सर्वाधिक 12 लोगों ने तोड़ा दम। वहीं इमरजेंसी में 92 लोगों को लू की चपेट में आने से कराया गया भर्ती, जिसमें 9 की हालत गंभीर होने के कारण कानपुर रेफर किया गया है। अब तक बीते 4 दिनों में 35 लोगों की मौत हो चुकी है। लू व हीट स्ट्रोक की चपेट में आने से ये मौतें हो रही हैं। विशाल गर्मी का कहर और भी तीखा बना हुआ है। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लू की चपेट में आने वाले मरीजों का तांता लगा हुआ है, वार्ड फुल है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां सुमेरपुर पुलिस ने 20,000 के इनामी गैंगस्टर को किया गिरफ्तार। काफी समय से फरार चल रहा गैंगस्टर रोपिन पर पुलिस अधीक्षक ने 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया है। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के चंद्रपुरवा मोड़ से पुलिस ने गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां आज सुबह तहसीलदार सत्येंद्र कुमार खनन पर छापा मारने निकले तो नायब तहसीलदार ने थाना कैला देवी क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा। थाना नक्शा क्षेत्र में खनन करते पकड़े 2 ट्रैक्टर ट्रॉली, 1 ट्रैक्टर ट्रॉली थाना कैला देवी क्षेत्र की चौकी सौधन को सौंपा। दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली नक्शा क्षेत्र की पुलिस चौकी हिसामपुर में खड़े किए। सूत्रों की मानी तो अभी तक कोई कठोर कार्यवाही नहीं की गई है। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगत पाल की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से, जहां झींगरा नोहरी खुर्द में शासकीय कुएं को नष्ट कर भूमाफियाओं द्वारा कॉलोनी काटी जा रही है। जब इसका पड़ोसी ने विरोध किया तो जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत कोतवाली पुलिस को दी गई है। जानकारी के अनुसार ललिता जैन पत्नी भानु प्रकाश जैन निवासी पीली कोठी कमलागंज ने बताया कि मेरी निजी भूमि ग्राम झींगरा नोहरी खुर्द पटवारी हल्का नंबर 39 में सर्वे नंबर 214 एवं 217 में स्थित है। इसी भूमि के पास सर्वे नंबर 216 में रकबा 0.031 में सार्वजनिक कुआं, जिस पर शासकीय सीमा चिन्ह बना हुआ है, उस शासकीय कुएं से पूरे क्षेत्र का सीमांकन किया जाता है। कुएं को एक भूमाफिया आदेश से भरे निवासी कत्था मिल के सामने बछौरा उसके पास जमीन लेकर अवैध प्लांटिंग करने हेतु JCB से सार्वजनिक शासकीय कुएं को नष्ट करके जमीन को समतल बना करके बेचने का प्रयास किया जा रहा है। जब इसकी शिकायत की गई तो अभद्र व्यवहार करने लगा। मेरा नाम है भानु प्रकाश जैन नाम है मेरा। कहाँ से आयो? मैं आया हूँ नोरी से। कोतवाली आयो आज के कुछ समस्या लेके आयो? समस्या जो है, मेरी पत्नी के नाम से वहाँ पे नोरी खुर्द में जमीन है, जमीन के पास में एक शासकीय नंबर है 216 नंबर, और उसमें एक शासकीय कुआ बना हुआ है 3.25 का। उसमें एक यहाँ का एक भूमाफिया है अपडेट्स भरे, उसके द्वारा वो जो शासकीय चन्न कुआ उसको
जेसीबी के माध्यम से मिटाकर समतल करके जमीन के माध्यम से उसको बेचने का प्रयास किया जा रहा है। मैं वहाँ पर गया, मैंने उससे मना किया तो उसके बहुत सारे गुंडे लोग लट्ठ मट्ठ लेके वो मुझे मारने को आ गए। तो फिर मैंने भागकर मैं कोतवाली में आया और मैंने यहाँ पर श्रीमान जय साहब को आवेदन दिया है, एडीएम साहब को आवेदन दिया है, तेजस साहब को आवेदन दिया है, क्योंकि वो पूरे बेल्ट में एक ही कुआ है जिससे पूरे क्षेत्र की नाप की जाती है। अगर वो कुआ मिट जाएगा इनके द्वारा तो पूरे क्षेत्र का नाप करना भविष्य में असंभव हो जाएगा। इसलिए इस शासकीय कुएं को बचाने की मैं प्रशासन से, शासन से, मुख्यमंत्री से गुहार करता हूँ कि उस कुएं को तत्काल प्रभाव से बचाया जाए और शासकीय सीमा को सुरक्षित रखा जाए। वहाँ के जो रहवासी होता है कुएं में पानी वानी भी भरते हैं? कुएं में पानी तो नहीं है, पर उसके वो नापने के लिए उसके अलावा आसपास कोई कुआ नहीं है। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।